हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो गुलदाव जी के ऊपर है। ये कटिंग मैंने कम से कम दो तीन महीने पहले ली थी, मॉनसून स्टार्ट होने से पहले। ये मैं अपने दोस्त के यहाँ से लाई थी और अभी मैं इनको प्लांट सारे के सारे गमलों में एक ही गमले में लगा रही हूँ। इसके लिए हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लिया है, इससे फंगस तो लगती नहीं है, साथ में हमारा जो प्लांट होता है उसको ग्रोथ करने में मदद करता है। हल्का सा डिप करके थोड़ा सा तोड़ के उसको साइड से और एलोवेरा लगा के बस आपको सीधी मिट्टी में डाल देना है। अभी सारे के सारे पत्ते मुरझाए हुए हैं, बट अभी नेक्स्ट वीडियो में देखना। ये देखो, ये 10 दिन बाद की वीडियो है। थोड़े से पत्ते हमारे अभी वैसे के वैसे हैं, इनफैक्ट थोड़े से और ज़्यादा अच्छे से हो गए हैं। अभी ये 1 महीने बाद का वीडियो है, जब मैंने ये कटिंग निकाल के अलग अलग गमलों में शिफ्ट कर दी थी और कुछ कुछ जो मेरे पास ज़्यादा गमले नहीं थे तो मैंने उन सबको बोरी में लगा दी थी। ये देखो, ये अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, इन सब में जड़ें आ चुकी थी। अभी हम पिंचिंग करना देखेंगे। पिंचिंग करने से ना हमारी जो ग्रोथ होती है पेड़ों की वो और ज़्यादा बढ़ती है, इनफेक्ट घने और ज़्यादा मात्रा में निकल के आते हैं, ताकि जब ये फूल खिलेंगे तो ये बहुत सारे निकलेंगे। जहाँ से ये ऊपर के जो नए पत्ते होते हैं ना उनको तोड़ देना होता है हल्के से हाथ से, बस उसके बाद ये अलग अलग जगह से रूट नए नए पत्ते रूट निकलना चालू हो जाती है इनके जो पत्तों के होते हैं वो। ये बारिश के अगले दिन का वीडियो है, जो हमने बिंजिंग करी थी उसके बाद देखो ये नए नए पत्ते निकल आए हैं सब में, बहुत सारी जगह से निकलते हैं। देखो एक जगह नीचे से, जहाँ से भी इनको जगह मिलती है वहाँ से ये निकलने लगते हैं। मेरी कटिंग काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो गई है। इसकी जो पिंचिंग थी मैंने बहुत पहले स्टार्ट करी थी। ये जो प्लांट है इसकी पिंचिंग मैंने उसी दिन की थी, 3 दिन बाद का वीडियो है। इसमें देखो नई ग्रोथ कितनी अच्छे से हुई है, इसमें भी। थैंक यू एवरीवन और वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एट टाइम।